यस बेटा, कंसाइनमेंट चल रहा था लास्ट लेक्चर में, आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया था ना, थोड़ा बहुत आ जाओ चेक करो तो क्या क्या चीजें दी थी एक बार चेक करना। एक्स लिमिटेड ऑफ गुजरात परचेज 5000 साड़ी ऑफ रुपीज 100 पर साड़ी, आउट ऑफ दिस 3000 साड़ी वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट, द सेलिंग प्राइस इज 150, कंसाइनर पेड 5000 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट, वाई सोल्ड 2500 साड़ी एट 160 पर साड़ी एंड इनकर्ड 500 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस एंड रिमिटेड 250,000 टू गुजरात अकाउंट, यानी कंसाइनर को सेंड किया। दे आर एंटाइटल टू, क्या बोला बेटा ध्यान देना, दे आर एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल प्लस फर्दर 25% कमीशन। कमीशन का इंपॉर्टेंट था एडजस्टमेंट, हमने कमीशन कैलकुलेट कर लिया था कल, कितना आया था बेटा हमारा कमीशन। ओके, कमीशन वाला पॉइंट समझ में आया, सिंपल है बेटा कमीशन, आ जाओ ध्यान देना, 5% टोटल सेल पे और 25% ऑन सरप्लस, ओके आगे बोला है 1500 साड़ी वर सोल्ड एट गुजरात, यानी कंसाइनर के यहां पे सेल हुआ है, ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ द साड़ी इज टू बी रिड्यूस बाय 5%, बरोबर है, कितना है बेटा फिर 5% से कम करना होगा और हमें बस कंसाइनमेंट अकाउंट और वाई लिमिटेड अकाउंट बनाने बोला है, स्टॉक का वर्किंग हमारा बाकी था ना। चलो देखो तो पूरा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हमारे इस फॉर्मेट में लिखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, स्टॉक का सारा वर्किंग हमें कंसिडर करना है। क्वेश्चन है सभी के पास सामने, एक सेकेंड पेज नंबर बताना बेटा, तो हम लोग लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके अंदर में पूरा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वाला वर्किंग देखना एक बार, पेज नंबर 117। एक्स लिमिटेड ऑफ गुजरात परचेस 5000 साड़ी, ठीक है वो 5000 साड़ी तो उसने बेटा गुजरात के लिए परचेस किया, तो उसमें से कंसाइनमेंट में सेंड किया 3000, चेक करना 3000 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 3 लाख रुपीस। आगे बोला है सेलिंग प्राइस 150 था, ठीक है कंसाइनर ने पे किया 5000 का खर्चा फॉर पैकिंग एंड फ्रेट, तो वो हम लोग 5000 का खर्चा जो है वो ऐड कर देंगे फॉर पैकिंग एंड फ्रेट, ठीक है आ जाओ। सो ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये कंसाइनमेंट के लिए ही उसने दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे उसने जो टोटल 5000 साड़ी लाया था ये उसका नहीं है, ये पूरा का पूरा कंसाइनमेंट का है, मतलब ये 3000 साड़ी के लिए दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में, इन्होंने एक्चुअल में देना चाहिए था कि ये 5000 का जो पैकिंग फ्रेट है ये 5000 साड़ी का है या 3000 का, बट हमने क्या अज्यूम किया ये 3000 का है, कंसाइनमेंट के लिए जो माल भेज रहे उसी के लिए एक्सपेंस इनकर किया है। और हम लोग क्या करते हैं स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंसाइनर से कंसाइनी को माल भेजने के लिए जो भी खर्चा लगा वो स्टॉक की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, राइट। आगे और क्या बोला बेटा, सो मैंने 5000 ऐड कर दिया, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेंगे क्या उस खर्चे की वजह से, ये बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ नंबर ऑफ यूनिट बढ़ने वाले है क्या, देख बेटा खोल रहे दरवाजा, किसने बंद किया हो, हाँ सो नंबर ऑफ यूनिट इसकी वजह से बढ़ेंगे नहीं, मेरे पास एक टू व्हीलर है मैं उसकी सर्विसिंग करवा रहा हूँ, मैंने उस पर एक्सपेंस इनकर किए, बोलो नंबर ऑफ टू व्हीलर बढ़ेगी क्या। जब भी आप आपके असेट के ऊपर, जब भी आप आपके माल के ऊपर एक्सपेंसेस इनकर करते हो तो उससे नंबर ऑफ यूनिट नहीं बढ़ते, तो मैंने नंबर ऑफ यूनिट के कॉलम में डैश लिख दिया 5000, टोटल कितना हो गया 3000 के लिए 3,05,000। आगे देखो और क्या बोला है बेटा, वाई लिमिटेड सोल 2500 साड़ी, 2500 बेच दिया है, और कुछ बोला है कि आगे, नो बस इतना ही बोला है ना, दैट्स इट। सो 3,05,000 दिस इज फॉर 3000, देन हाउ मच फॉर 500, 3,05,000 दिस इज फॉर
3000, देन हाउ मच फॉर 500, ये आया मेरा 50,833.33। इन्होंने बोला रिडक्शन इन कॉस्ट प्राइस, कितने से रिड्यूस करना है बेटा? यहां पे देखो आगे एक सेंटेंस दिया हुआ है, कहां गया रे मुन्ना वो सेंटेंस, ओइंग टू फॉल इन द मार्केट प्राइस द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ द सारी इन हैंड इज टू बी रिड्यूस बाय 5%, उसको 5% से कम कर देना है। अब जो भी हमारे पास में स्टॉक है उसकी वैल्यू 5% से कम करना है। अब 5% सर किसके ऊपर कम करना, ये यहाँ पे ये 3000 इंटू ये 100 का एक था ना, तो ये 100 के ऊपर 5% कम करना है कि स्ट्रेट वे इसके ऊपर 5% कम करना है, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। अब यहाँ पे है ना, प्लीज ध्यान देना सब लोग, टू फोल्ड आंसर हो सकता है। कुछ जगह पे आपको ऐसा दिखेगा कि कॉस्ट के ऊपर 5% कम किया हुआ है, कुछ जगह पे ऐसा दिखेगा कि ये जो हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू आया इसके ऊपर 5% कम किया हुआ है। मोस्ट अप्रोप्रिएट कंसाइनमेंट स्टॉक के वैल्यू के ऊपर 5% कम करना चाहिए, यानी किसके ऊपर, ये -5%। अगर ये 5% वाला एडजस्टमेंट नहीं होता तो मैं स्ट्रेट वे यहाँ पे 50,833 का स्टॉक लिख देता, बट इन्होंने बोला आपका जो भी स्टॉक का वैल्यू बचा है उसको 5% से कम करना है, तो मैं 50,000 से भी कम कर सकता हूँ, या फिर ये 100 रुपीज का 5% कितना आएगा, 5 रुपये मल्टीप्लाइड बाय कितना है, 500, तो वहाँ से भी कम कर सकता हूँ। मोस्ट अप्रोप्रिएट है यहाँ से कम करना चाहिए, जो स्टॉक का फाइनल वैल्यू आया उससे 5% कम होना चाहिए, बट काफ़ी सारी किताबों के अंदर मैं कॉस्ट में से कम किया है, तुलसियन वगैरह की बुक देखोगे तो उसमें फाइनल जो वैल्यू है उससे कम किया है, बराबर है। तो हम लोगों के मॉड्यूल के अंदर में ये लोग कम कर रहे हैं कॉस्ट में से, हम लोग कहाँ से कम कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे ICMAI के मॉड्यूल में कम किया है कॉस्ट में से, नए मॉड्यूल में कहाँ से कम किया मुझे मालूम नहीं है, हम लोग अभी कॉस्ट से कम करेंगे। सो एक की कॉस्ट थी 100, 100 का 5% इंटू नंबर ऑफ यूनिट कितने बचे बेटा, 500, बता दो कितना आ जाएगा। फिर यहाँ पे करना है तो 50,833 से भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे डिलेमा है, क्वेश्चन के अंदर में बोला नहीं है कि कॉस्ट प्राइस कम करना है एग्जैक्ट उसकी कि जो स्टॉक का वैल्यू कम आया, स्पेसिफिकली इसके बारे में कुछ दिया नहीं है। सो बताओ बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 42,500 और माइनस करके 48,2500, ये कहाँ से कम किया बेटा मैंने, कॉस्ट से, बताओ कितना आ जाएगा, 48,333, ये आपका कंसाइनमेंट स्टॉक रहेगा। अच्छा मॉड्यूल के अंदर में यहाँ पे लोग कमीशन वगैरह भी एडलेस कर रहे हैं कंसाइनमेंट स्टॉक के अंदर में, देखो इन्होंने कमीशन को भी लेस किया है क्या, वाई लिमिटेड का कमीशन, वो एडजस्टमेंट टोटली रॉन्ग है, वो नहीं करना चाहिए, बराबर है, तो हम लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग कौन से खर्चे एडलेस करते हैं, कंसाइनर से कंसाइनी को माल मिलने तक का ही खर्चा हम लोग ऐड करेंगे, ये कमीशन जो देते हैं वो माल मिलने के बाद का खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंस है ना वो, तो सेलिंग एक्सपेंस हम लोग यहाँ पे एडजस्ट नहीं करेंगे, राइट। सो ये हमारा स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा 48,333 और वो हम लोग कहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 48,333 वर्किंग नोट नंबर 1, ये लिखो। अब निकालो प्रॉफिट कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर कर दो P&L में, और कंसाइनी के साथ जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो उससे पैसा ले लो, ले लूँ ना, बोला है ना कंसाइनी का अकाउंट सेटल हो गया, और नहीं भी बोला है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आखिरी में जो कुछ कंसाइनी से लेना या देना आ रहा है हमेशा याद रखना, कंसाइनी का जो भी बैलेंस आएगा, लेना आ रहा है तो उससे ले लो बाय बैंक, देना आ रहा है तो दे दो टू बैंक, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, राइट। सो कंसाइनी से यहाँ पे डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, मतलब कंसाइनी का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है मतलब कंसाइनी मेरा डेटर है, मतलब उससे लेना है, लेना है तो ले लो, कितना आ रहा है बैंक बैलेंस बता दो उसका, कितने का चेक दे रहा है, मैं कमीशन लिख दिया था हमने कंसाइनी का, यस ये कमीशन वाला था, बताओ बेटा कितना आ रहा है, और ये P&L का भी बैलेंस बता दो, P&L का बैलेंस 4,48,333
माइनस 305,000 माइनस 26,750 116,583। और यहाँ पे कंसाइनी का बैलेंस कितना आ रहा है बेटा देखो तो बच्चों करो जल्दी जल्दी। डन लिख लेना, सारे आइटम्स हमने कंसीडर कर लिए, इसमें कुछ भी चीज छोड़ी नहीं है, राइट। डन जो भी बैलेंस आ रहा है ले लो, उससे छोड़ना नहीं है, सेटल कर लेना है तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये कंसाइनमेंट स्टॉक का समझ में आया सभी को, जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही फॉलो करना, बाकी सारे क्वेश्चंस के अंदर में आपको यही मिलेगा। अच्छा ऐसा नहीं कि मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन में उन्होंने ऐसे किया, बाकी मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन में जो हम लोग करते हैं वो किया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर में उन्होंने अलग ट्रीटमेंट दिया। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन के अंदर में वो लोग वैसे करें, बाकी हम लोग जो कर रहे हैं वो फॉलो करना है, हर एक क्वेश्चन में वैसे ही आपको आंसर निकलेगा बेटा। डन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये देखो ये स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए, ये भी कमीशन का भी एडजस्टमेंट इन्होंने लेस किया, एक्चुअली वहां पे करने की जरूरत ही नहीं थी लेस। आ जाओ 11 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ascertain द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। क्या बोला बेटा यहां पे, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये बेटा देखो तो यूनिट्स पर्टिकुलर्स कॉस्ट 1000 केजी थे क्या, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20,000 क्या, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 4000 बरोबर। उसके बाद आगे और क्या बोला है, कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, पहले बैलेंस निकाल लो 1000 बैलेंस 24,000। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है, कंसाइनर से कंसाइनी को माल भेज रहे हैं, अरे बेटा देखिए माल कितने का था 20,000 का, माल भेजने के लिए पहले एक्सपेंस इनकर होगा 4,000, उसके बाद रास्ते का लॉस होगा या पहले कंसाइनी एक्सपेंस इनकर करेगा, पहले रास्ते में लॉस होगा, अगर होना रहा तो रास्ते में लॉस होगा और बाद में कंसाइनी एक्सपेंस इनकर करेगा ना। इन्होंने जानबूझ के पहले कंसाइनी का खर्चा दिया और बाद में बोला है लॉस ड्यू टू नेचुरल वेस्टेज। अब ये लॉस कब हुआ हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, ये लॉस कब हुआ हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये लॉस रास्ते में हुआ होगा, ऐसी अजम्पशन हम लोग ले लेंगे। बताओ बेटा लॉस कितने का हुआ रास्ते में, बता दो कितना हुआ, 100 केजी। ये नेचुरल ये यहाँ पे कि एक्चुअल में इन्होंने देना चाहिए था लॉस ड्यू टू नेचुरल स्टेज, एक काम करो नहीं तो आगे लिखो, ऐसा लिख लो एट कंसाइनीज गो डाउन, एट कंसाइनीज गो डाउन ऐसा लिखो। कुछ कुछ करेक्शन है जो मैं करवा के दे दूंगा, मॉड्यूल में है मिस्टेक काफी जगह पे, तो वह एज इट इज कर लेना। रास्ते में हुआ रहता तो हम लोग इन ट्रांजिट बोलते हैं, मैं यहाँ पे क्या करेक्शन करवा रहा हूँ, एट कंसाइनीज गो डाउन करवाओ, नहीं तो और आंसर मैच नहीं होगा, आप लोग बोलो सर आंसर मैच नहीं हो रहा है। लिखा सभी ने, अब बताओ ये लॉस कहाँ पे हुआ है, अब लिखा है क्वेश्चन में कंसाइनी के गोडाउन में है, तो लास्ट में देखेंगे। ये देखो ये माल भेजा, रास्ते में लॉस हुआ नहीं, कंसाइनी के गोडाउन पे हुआ है, माल कंसाइनी के पास आ गया, कंसाइनी ने कितने एक्सपेंस इनकर किए बेटा 3000, ये ले लो ये कंसाइनीज एक्सपेंसेस। अगर यहां पे इन ट्रांजिट लिखते हैं तो पहले इस लॉस का ट्रीटमेंट देता मैं, बट मैंने क्या लिखवा दिया वहां पे आपको, एट कंसाइनीज गोडाउन, कंसाइनी ने एक्सपेंस इनकर कितना किया 3000, बताओ बचा कितना यहां पे बेटा 27,000। आगे माल बेचा इन्होंने, सोल्ड किया 800, ये जो लॉस हुआ है कंसाइनी के गोडाउन पे हुआ है, तो पहले लॉस हुआ रहेगा बाद में माल बेचा रहेगा, कि पहले माल बेच दिया बाद में लॉस हुआ है ना, पहले लॉस हुआ रहेगा, माल आखिर में बेचा होगा हमने। आ जाओ सो पहले लॉस का यहां पे लिख लेता हूं, ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है बेटा, एबनॉर्मल लॉस, नेचुरल वेस्टेड नॉर्मल एबनॉर्मल कब से होने लगा, ये कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस, नेचुरल वेस्ट है, इसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता,
ये कौन सा लॉस है? नॉर्मल। वहां पे अंडरलाइन करके किसी को लिखना है तो लिख लो, है ऊपर आपके नोटबुक के मार्जिन में लिख लो। नेचुरल वेस्टेज अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? नॉर्मल लॉस। बता दो कितना बचा यहाँ पे? 900 बैलेंस। बोल मुन्ना। ओहो कल आप अब्सेंट है, मतलब कल थे, प्रेजेंट है, अब्सेंट है। क्या था, क्या बोला था मैंने नॉर्मल लॉस के केस में? बताओ जरा। नॉर्मल लॉस के केस में नंबर ऑफ यूनिट तो कम हो जाएगी लेकिन कॉस्ट कम नहीं होगी, और एबनॉर्मल लॉस में कॉस्ट भी कम और यूनिट भी कम। बरोबर। एक बार लेक्चर देखो बेटा कल का वापस। 27,000 आपका बचा हुआ है, और लास्ट में क्या बोला है बेटा? बेचा कितना? 800 सोल्ड। सही है क्या? बोलो बचा कितना? 100। ये है कंसाइनमेंट स्टॉक। 27,000 ये 900 के लिए है, तो 100 के लिए कितना? 27,000 इज फॉर 900, देन हाउ मच फॉर 100? कितना आ जाएगा बेटा ये आपका? 3,000। लिखा बेटा सभी ने? डन। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा या बाकी है लिखना? क्या कर रहे हो आप लोग, लिखो साथ साथ। घर पे प्लीज रिवाइज करो, पेंडिंग मत रखो, घोड़ चुका है ही। बरोबर ना? क्यों नहीं रिवाइज किया? उल्टा मत कर, एग्जाम में उल्टी हो जाएगी। डन। ये करेक्शन कर लेना एक। एट कंसाइनीज गोडाउन। सर क्यों? अगर वो नॉर्मल लॉस हमने पहले अज्यूम कर लिया तो नॉर्मल लॉस के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो एबनॉर्मल लॉस होता और आपने अगर सीक्वेंस चेंज कर दिया रहता तो आपके क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में फर्क पड़ता, क्योंकि हम लोग प्रोपोर्शनेट निकालते हैं ना, इसीलिए सीक्वेंस फॉलो करना है। जो चीज पहले हुई है उसका एडजस्टमेंट पहले, जो बाद में हुआ है उसका एडजस्टमेंट बाद में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। राइट। लिखा बेटा? हर किसी ने लिखा है? पक्का? डन। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दे दो। 5,000 शर्ट्स वर कंसाइन बाय द रईजादा एंड कंपनी, आर एन कंपनी ऑफ दिल्ली टू जिंग ऑफ टोक्यो। ये कौन है बेटा? कंसाइनी। और आर कौन है? कंसाइनर। अब सब लोग ध्यान देना, जो बच्चों का आज फर्स्ट या सेकेंड डे है, ऐसे कोई बच्चे हो गए ना जिसका आज फर्स्ट डे क्लास में है? कौन है बेटा? टुडे इज फर्स्ट डे। ओके, और कोई? हेलो, सेकेंड डे कौन बच्चों का है आज क्लास में? उसका आज फोर्थ डे है। ध्यान दो अच्छे से, फर्स्ट सेकेंड डे भी होगा ना बेटा? आपका फर्स्ट या सेकेंड डे आज क्लास में? आप आ रहे हो पहले से? क्या बात कर रहे हो, मतलब एज गुड एज फर्स्ट सेकेंड डे। चलो ठीक है, ध्यान देना अच्छे से मुन्ना, ध्यान दे उधर। हाँ हाँ बेटा। सो कंसाइनर कौन है? आर। और कंसाइनी कौन है? जेड। एट कॉस्ट ऑफ 375 ईच, आर एन कंपनी पेड फ्रेट 50,000 एंड इंश्योरेंस 7,500। अब ये इंश्योरेंस के बारे में बोला नहीं है, माल भेजने के लिए इन्होंने फ्रेट और इंश्योरेंस इनकर किया, माल भेजने के लिए फ्रेट और इंश्योरेंस इनकर किया है, तो ये कौन सा इंश्योरेंस होगा? इन ट्रांजिट, है ना? ऊपर मार्जिन में लिख लो, फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड फॉर सेंडिंग गुड्स, मीन्स वो जो इंश्योरेंस है वो इन ट्रांजिट है। सर क्या फर्क पड़ता है? दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक रास्ते में हम लोग जो माल भेज रहे हैं रास्ते में कुछ नुकसान हो गया तो उसके लिए मैंने इंश्योरेंस निकलवाया, वो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है। कंसाइनी के गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है वो जो इंश्योरेंस पे किया वो इंश्योरेंस फॉर गुड्स इन गोडाउन है।
ये जो रास्ते वाला खर्चा है वो कंसाइनमेंट स्टॉक के वर्किंग में ऐड होगा, लेकिन गोडाउन के माल का जो इंश्योरेंस है वो कंसाइनमेंट स्टॉक के वर्किंग में ऐड नहीं होगा। याद करो, कंसाइनर से कंसाइनी को माल भेजने के लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए वो सारे खर्चे कंसाइनमेंट स्टॉक की कॉस्ट में ऐड होते हैं, राइट? पक्की बात? आ जाओ। सो ध्यान देना बेटा सभी ने, ड्यूरिंग द ट्रांजिट। देखो इस क्वेश्चन में कैसे बोला है बेटा, इन ट्रांजिट, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया नहीं था। यहां पे क्या बोला भाई, ड्यूरिंग द ट्रांजिट 500 शर्ट्स वर टोटली डैमेज बाय द फायर। अब बेटा रास्ते में 500 शर्ट्स डैमेज हो गए बाय फायर, अब इस लॉस के बारे में कुछ बोला नहीं है। अगर लिखा रहता नेचुरल, कैजुअल, क्वाइट यूजुअल, तो मैं क्या अज्यूम करता, नॉर्मल। अगर लिखा रहता नेचुरल, कैजुअल, क्वाइट यूजुअल लॉस है तो मैं अज्यूम करता नॉर्मल लॉस। कुछ बोला नहीं है तो मैं क्या अज्यूम करूंगा इसको, एबनॉर्मल लॉस। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग डैमेज बाय फायर, ये कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। जिंक टूक अ डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग शर्ट, ऑब्वियस सी बात है 5000 में से 500 एबनॉर्मल तरीके से लॉस हो गए। स्टोरी पढ़ रहा हूं पूरे क्वेश्चन की, है ना, लाइक अ स्टोरी, पिक्चर की तरह। बचे कितने 4500, उतने का उसने डिलीवरी ले लिया एंड पेड 72,000 ऑन कस्टम ड्यूटी। अच्छा, डिलीवरी लेते समय कस्टम ड्यूटी को पे किया होगा कि माल लाने के बाद कस्टम ड्यूटी पे किया होगा, माल के पहले ना, आने के पहले ना। मतलब ये जो कस्टम ड्यूटी पे किया ये भी इन ट्रांजिट वाला ही खर्चा है, यानी कंसाइनर से कंसाइनी को माल भेजने तक के जो भी खर्चे स्पेसिफिकली उस गुड्स के लिए इनकर किए वो सारे खर्चे माल की कॉस्ट में ऐड। ये स्टोरी था हमारा। आगे, जिंग हैड सेंट बैंक ड्राफ्ट टू आर एन कंपनी फॉर 2,50,000 एज एन एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट है, बैंक अकाउंट डेबिट। हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक टू कंसाइनी। आगे, 4,000 शर्ट्स वर सोल्ड बाय हिम एट 500 ईच, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय जिंग ऑन गोडाउन रेंट। ये कौन से खर्चे, माल मिलने के बाद का खर्चा है, तो ये खर्चे गोडाउन रेंट, गोडाउन के माल का इंश्योरेंस, कमीशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे माल मिलने के बाद के खर्चे हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक के वर्किंग में नहीं लेंगे। अकाउंटिंग सारे खर्चों का होगा लेकिन कंसाइनमेंट स्टॉक में कौन सा आएगा, कंसाइनर से कंसाइनी को माल भेजने के जो भी खर्चे हैं बस वही खर्चे कंसाइनमेंट स्टॉक में आएंगे। फिर वो खर्चे चाहे कंसाइनर ने इनकर किए होंगे चाहे कंसाइनी ने, बट इन बिटवीन होना चाहिए, माल मिलने के बाद का नहीं। सब लोग प्लीज ध्यान देना, कंटिन्यूअस अटेंशन की जरूरत है बेटा। आगे देखो और क्या बोला है, कमीशन भी बोल दिया है 5%। कुछ बोला नहीं है तो कमीशन किस पर रहेगा, याद करो, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन कमीशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल। हाँ, कमीशन बोला है क्रेडिट सेल तो क्रेडिट सेल, कमीशन बोला है फलाना सेल तो फलाना सेल, ढिमका सेल ढिमका, टिमका सेल टिमका, और कुछ भी नहीं बोला है तो किस पे, टोटल सेल। फिर कोई भी कमीशन हो, नॉर्मल हो चाहे डिलक्रेडियर हो चाहे ओवरराइडिंग, ये देखा था हमने कमीशन कौन से टाइप का है, नॉर्मल, ओवरराइडिंग और डिलक्रेडियर, ये देखा था बेटा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या, नॉर्मल कमीशन। ये क्यों देते हैं प्लीज ध्यान देना, क्योंकि कंसाइनी उसके रोजमर्रा की जिंदगी से हमारे लिए समय निकाल के माल बेच रहा है, दैट्स वाई मैं उसको दे रहा हूं ऑर्डिनरी और नॉर्मल कमीशन। डिलक्रेडियर कमीशन क्यों देते बेटा, क्योंकि बैड डेट लॉस कौन बेयर करेगा, कंसाइन। वैसे बैड डेट लॉस कंसाइनर का है, जो धंधे का मालिक है लॉस भी उसका, वैसे तो बैड डेट लॉस कंसाइनर का है, लेकिन बैड डेट लॉस काफी बढ़ रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने बैड डेट लॉस किसके नाम पे लिख दिया, बोलो बेटा, मैंने कंसाइनी के नाम पे लिख दिया और कंसाइनी को बोला ये ले आज से बैड डेट लॉस तू बेयर करेगा और उसके लिए मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन भी दे रहा हूं। उस एक्स्ट्रा कमीशन का नाम क्या है, डिलक्रेडियर। अच्छा, अब बच्चे गलती करते हैं, डिलक्रेडियर कमीशन निकाल लेते हैं क्रेडिट सेल पे, ना ना ना, कुछ अगर बोला नहीं है तो डिलक्रेडियर कमीशन भी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ बोला नहीं है तो डिलक्रेडियर कमीशन भी, लास्ट टाइम फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन डिलक्रेडियर कमीशन भी टोटल सेल पे रहेगा। हाँ, बोला है स्पेसिफिकली डिलक्रेडियर कमीशन क्रेडिट सेल तो क्रेडिट सेल, क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली बोला है तो, अदरवाइज सारे कमीशन टोटल सेल। कभी कभी ओवरराइडिंग कमीशन भी देते, कंसाइनी को बोला था 100 में माल बेचना, कंसाइनी ने माल कितने में बेचा, 120 में, बोलो सरप्लस कितना हुआ 20, इंस्ट्रक्टेड प्राइस थी 100, उसने बेचा 120 में, सरप्लस हुआ 20, तो इस चक्कर में खुश हो के मैं उसको कौन सा कमीशन दे रहा हूँ, ओवरराइडिंग।
काफी बार क्वेश्चन में बोला रहता है कि ओवरराइडिंग कमीशन सरप्लस पे देना है, तो सरप्लस पे, और कुछ नहीं बोला है तो ओवरराइडिंग कमीशन भी टोटल सेल। सो तीनों कमीशन का ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, तीनों कमीशन का कैलकुलेशन भी बता दिया टोटल सेल पे, अगर कुछ बोला नहीं है तो। सर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया कि ये कमीशन इस पे, ये इस पे और ये इस पे, तो जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा, और अगर कुछ नहीं बोला है तो सारे के सारे कमीशन किस पे निकलेंगे, टोटल सेल पे, राइट। चलो आगे, वन ऑफ द कस्टमर टू हुम गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट कुड नॉट पे द कॉस्ट ऑफ 25 शर्ट, वो 25 शर्ट का कॉस्ट नहीं पे कर पाया। आ जाओ, बैड डेट हो गया क्या, डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे क्या हम लोग यहां पे? ओहो, है नहीं, मतलब ये बैड डेट क्लॉज किसका है, कंसाइनर का। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट, जिंग सेटल्ड हिज अकाउंट, आखिरी में कंसाइनी का जो भी बैलेंस आएगा वहां पे बैंक की एंट्री लिख देंगे, सेटल कर दिया ना उसने इमीडिएटली। नथिंग वॉज रिकॉर्ड फ्रॉम द इंश्योरर फॉर द डैमेज गुड्स, रास्ते में आग लग गई थी, उसका इंश्योरेंस निकाला हुआ था लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से कुछ नहीं आया, ठीक है, आता तो क्या होता वो भी मैं बता देता हूं। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 लिखो सब लोग फटाफट से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दे दो, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ो और हमारे फॉर्मेट के हिसाब से सॉल्व करना है, जहां कोई चीज समझ में नहीं वहां तब के तब पूछना है। दिख रहा है बेटा, मॉड्यूल के क्वेश्चंस ले रहा हूं सारे, ध्यान दे। सो क्या दिया है यहां पे, सबसे पहले तो बोला है 5000 शर्ट्स वर कंसाइंड बाय द आरएन कंपनी, आरएन कंपनी के बुक में सारी चीजें बनाने बोली है, आरएन कंपनी बुक्स, ये कौन है, कंसाइनर, लिखो फटाफट से ऐसे, क्या क्या बोला है बनाने के लिए, कंसाइनमेंट अकाउंट, और कौन सा अकाउंट बनाने बोला है, बोलो फटाफट से, जिंग, ये कौन है, कंसाइनी, और यहां पे 5000 शर्ट्स भेजा, कुछ बेचा, कुछ लॉस हुआ और कुछ बच गया था ना, राइट, तो एक स्टॉक अकाउंट भी बना लो, स्टॉक अकाउंट बनाने से अच्छा वर्किंग नोट बना लो उसके लिए, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, यूनिट्स, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, राइट, करे स्टार्ट, स्टोरी पढ़ो, फिगर लिखो, किस्सा खत्म करो, आ जाओ। सो सबसे पहले बोला है 5000 शर्ट्स वर कंसाइन बाय द आर टू जिंग, कॉस्ट है 375 ईच। चलो लिखू क्या, अब जो बच्चों का आज फर्स्ट डे होगा या सेकेंड डे होगा प्लीज ध्यान देना, फुल फ्लेज क्वेश्चन है कंसाइनमेंट का, रिवीजन के लिए मार्क कर लेना, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, डन। चलो स्टार्ट करते हो। सो यहाँ पे गुड्स सेंड किया, कंसाइनर ने अपने नॉर्मल धंधे से, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जो बच्चों का फर्स्ट डे है आपने बस सिर्फ देखना है, आज आप लिखो मत, समझो, क्योंकि लिखने का काम घर पे भी हो सकता है, समझना होगा, और आपको हर चीज, हर शब्द, हर सेंटेंस पे नजर रखनी होगी, जहां नहीं समझा पूछना है। कंसाइनर से माल जा रहा है कंसाइनी के पास, बराबर है। अब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जानना है कंसाइनमेंट से कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। आज तक मेरा नॉर्मल बिजनेस तो चल ही रहा था, उससे तो मैं प्रॉफिट लॉस अर्न कर ही रहा था, लेकिन अब मैंने क्या किया, मुझे बिजनेस एक्सपांड करना था तो मैंने मेरा माल टोक्यो भी सेंड किया,
मैंने मेरा माल कहाँ पे सेंड किया बेटा? टोक्यो में, ताकि मैं आज तक इंडिया के लोगों को बेवकूफ बनाता था, अब मैंने सोचा चाइना के लोगों को भी बेवकूफ बनाऊंगा, यस और नो? सो जापान के, तो मैंने सेंड कर दिया, प्लीज ध्यान देना, वो क्या जिंग पिंग नाम है ना उसके लिए दिमाग में, तो मैंने मेरा माल सेंड कर दिया, यस और नो? तो मैंने उस कंसाइनमेंट के लिए कितने का खर्चा किया? जितने का माल है उतने का। कितना माल है? 5000 शर्ट्स है, और एक शर्ट की कॉस्ट कितनी है? 375। ये अगर यहां जगह नहीं तो पीछे बैठ जाओ ना बेटा, पीछे भी जगह है, पीछे काफी जगह है, प्लीज ध्यान दें, आ जाओ। सो 5000 × 375, सो इतना मेरा खर्चा हुआ ना, 18,75,000 रुपए। सो इतना मैंने खर्चा किया, ये कैश के फॉर्म में किया या माल के फॉर्म में? माल, कैश नहीं दिया। सो कंसाइनमेंट के लिए खर्चा हुआ, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कैश दिया रहता तो लिखता टू कैश, यहां पे माल दिया है तो लिखूंगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, राइट? मैंने लिख दिया है ना, किसी को लिखना है तो प्लीज वर्किंग बना के अलग से लिख लो, या फिर देखो यहां पे मैं लिख ही रहा हूं। कितना माल सेंड किया है? 5000। साथों साथ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही अकाउंटिंग भी करो और ये स्टॉक के वर्किंग में फिगर्स भी लिखते जाओ, नहीं तो आपको दो बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, स्टॉक के लिए वापस पढ़ना पड़ेगा अलग से, राइट? आ जाओ। सो ये लिख दूं क्या, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ पे वर्किंग लिख लो ब्रैकेट में, 5000 शर्ट्स एट द रेट ₹375। ये आ गया इतना कॉस्ट, किसी को कोई तकलीफ है इसमें? सिंपल है। अगला सेंटेंस पढ़ रहा हूं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है। आरएन कंपनी यानी कंसाइनर ने पे किया फ्रेट और इंश्योरेंस 50,000 और 7,500, खर्चा किया है कंसाइनमेंट के लिए। सो लिखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट फ्रेट एंड इंश्योरेंस, कितना दिया है बेटा? 57,500, बरोबर है? कंसाइनमेंट के लिए खर्चा किया, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे पेमेंट कैश बैंक में किया होगा, सो टू कैश और बैंक अकाउंट, डन। कंसाइनर से कंसाइनी को माल भेजने तक जो भी खर्चा हो रहा है वो खर्चा माल की कॉस्ट में ऐड करो, कर दूं क्या माल की कॉस्ट में ऐड? सो एक्सपेंस की वजह से यूनिट बढ़ेंगे क्या? नो, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर, माल को भेजने के लिए खर्चा किया है, नॉन रिकरिंग है, 57,500, चलो आगे, क्लियर? उसके बाद अगला सेंटेंस है, ड्यूरिंग द ट्रांजिट 500 शर्ट्स वर टोटली डैमेज बाय फायर एंड जिंक टूक अ डिलीवरी ऑफ, बोलो बेटा, रिमेनिंग एंड पेड 72,000 फॉर कस्टम ड्यूटी। अच्छा, और तो कोई खर्चा नहीं है ना, अब रास्ते में क्या हो गया? लॉस हो गया, लॉस ड्यू टू फायर, ध्यान देना बेटा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टोटल 5000, यहाँ पे बैलेंस, और ये कितना हो गया? प्लस 57,500, 19 लाख, ये टोटल चेक कर रहे हो आप साथों साथ? पक्का 57,500 ही है वो, बरोबर है? रास्ते में लॉस हो गया है क्या? ये कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस, ऑलरेडी मैंने बता दिया कितना लॉस हुआ है, 500, बरोबर है? इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? मुन्ना ध्यान दे, इतनी कॉस्ट इतने यूनिट की थी तो इतने की कितनी, सो 19,32,500 इज फॉर 5000, देन हाउ मच फॉर 500, बता दो तो बेटा, 193। ये कॉस्ट बढ़ाऊ या कम करूं? लेस करना है ना, नंबर ऑफ यूनिट भी कम हो गए और कॉस्ट भी कम हो गई। हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज देखी थी, जब कभी भी नॉर्मल लॉस होता है तो नॉर्मल लॉस का अमाउंट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लॉजिक बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो यूनिट्स नॉर्मली लॉस्ट हो गए उनकी कॉस्ट बैलेंस यूनिट अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं। सर कैसे? 10 लीटर पेट्रोल परचेस किया एट द रेट ₹100 पर लीटर, कितना पे किया कॉस्ट? ₹1,000, ₹1,000 कितने लीटर का था? 10। आपको समझाने के लिए 1 लीटर इवेपोरेट हो गया नॉर्मल, आपको समझाने के लिए, एक्चुअल में होता नहीं लेकिन आपको समझाने के लिए। सो मैंने 10 लीटर के लिए कितना पे किया? 1,000, 10 लीटर और ₹1,000, बरोबर ना? घर पे आके देखा तो 9 लीटर ही था, बोलो ये नॉर्मल लॉस है, आपकी कॉस्ट कम होगी क्या? पेट्रोल पंप वाला आपको आपका ₹100 वापस करेगा? नो, वो बोलेगा भैया नॉर्मल है, कहीं से भी लो, अवॉइड नहीं कर सकते, नॉट अवॉइडेबल। तो मैंने बोला क्या मेरे यूनिट कम हो जाएंगे? पेट्रोल पंप वाला बोला हाँ। मैंने बोला क्या मुझे कॉस्ट वापस नहीं मिलेगी? वो बोला ना। तो अब बताओ मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई?
पहले जो मैं सपने देख रहा था 1000 रुपए में 10 लीटर, अब वो क्या हो गया 1000 रुपए में 9 लीटर। बोलो पर लीटर कितना हो गया, 1000/9 111 point something something। तो जो मेरी पर यूनिट कॉस्ट पहले 100 थी वो बढ़ गई, टोटल कॉस्ट उतनी है लेकिन पर यूनिट बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो 1 लीटर जो उड़ गया उस 1 लीटर की कॉस्ट बचे हुए 9 लीटर ने अपने अंदर संभाली, इसलिए वो 9 लीटर की कॉस्ट 100 रुपए से बढ़ के कितनी हो गई, 111, राइट। सो टोटल कॉस्ट में कोई इम्पैक्ट हुआ? सो नॉर्मल लॉस में यूनिट तो कम हो जाते हैं लेकिन टोटल कॉस्ट आपकी अभी भी 1000 ही है। पर यूनिट को गोली मारो, टोटल कॉस्ट सेम है, सो अमाउंट बिल्कुल सेम है। दैट्स वाई ये लॉजिक है, मैं नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग नहीं करता हूँ। नॉर्मल लॉस में कॉस्ट कम नहीं होती है, एबनॉर्मल लॉस वहाँ पे यूनिट भी कम और वो एबनॉर्मल तरीके से गुड्स कम हो गए, वहाँ पे अवॉइडेबल था 10 लीटर। या फिर अपना आम का एग्जाम्पल, 1 दर्जन आम खरीदे 10 ही आम मिले, 12 की जगह 10 मिले, तो आम भी कम और वो 2 आम का पैसा भी मैं रिकवर करूँगा क्या? यस, मैं बोलूँगा भैया 2 आम कम आए उसकी कॉस्ट मुझे वापस कर दो। सो एबनॉर्मल लॉस के केस में यूनिट भी कम और कॉस्ट भी कम। कॉस्ट कम, कम को मैथमेटिकली माइनस लिखते हैं। तो मैं कंसाइनमेंट की कॉस्ट से उतनी कॉस्ट कम करूं, अकाउंटिंग करूं, कॉस्ट कम करना है तो कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में? वेरी गुड बेटा, क्रेडिट में, बरोबर है क्या? रेफर वर्किंग नोट 1। कितना है बेटा इसका, 193, देखो कैलसी पे देख के बताओ, 250। चलो आगे की स्टोरी पढ़ते। और आगे बोला है, और उसने रिमेनिंग यूनिट्स का डिलीवरी ले लिया और क्या पे किया, कस्टम ड्यूटी। कंसाइनी ने पे किया, सो टू कंसाइनी अकाउंट एक्सपेंस और कस्टम ड्यूटी पेड, कितना पे किया, 72। आ जाओ, सो बचे कितने यूनिट, 4500। कंसाइनर से कंसाइनी को माल भेजने के लिए जो भी खर्चा किया है वो सारा खर्चा ऐड करो, यहाँ बचा कितना बेटा, 17,39,250। यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे किया, कंसाइन इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, कस्टम ड्यूटी ड्यूटी कितना था बेटा, बोलो ना, 70 ऐड करूँ क्या? ये समझा क्या सभी को, ऐड क्यों किया? सिंपल है, दूध पीता बच्चा भी करेगा। प्लस 72,000, 18,11,250, बरोबर है। चलो आगे, नेक्स्ट। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे पढ़ना बेटा। आगे बोला है अमाउंट है 2 रुपीज, देखो क्या दिया है, 4000 शर्ट्स वर सोल्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय जिंग ऑन गोडाउन एंड एडवर्टीजमेंट अमाउंट है 2 रुपीज 10,000। चलो माल बेचा इन्होंने और कुछ खर्चे भी किए हैं, सही जा रहे हैं सिक्वेंसली। माल कितना बेचा है, 4500, कितने में बेचा है बेटा? सबसे पहले तो सेल है, सेल कंसाइनमेंट का इनकम है इसलिए कंसाइनमेंट के क्रेडिट में, खत्म। पैसा आ गया रहता तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी बोलता, नहीं सॉरी, कैश टू कंसाइनमेंट बोलता, सेल है ना, कंसाइनमेंट नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे डेबिट में इनकम क्रेडिट में, तो यहाँ पे कंसाइनमेंट का सेल, ये कंसाइनमेंट का इनकम है इसलिए कंसाइनमेंट के क्रेडिट में। ये पैसा हमारे पास आया या आना बाकी है, आना बाकी है, रिसीवेबल, डेटर बन गया कंसाइनी। सो कंसाइनी को क्या करेंगे, डेबिट, और कंसाइनमेंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। ये बात समझ में आई? कोई भी इनकम का या कोई भी एक्सपेंसेस का स्पेसिफिकली उसके नाम से अकाउंट नहीं बनाते कंसाइनमेंट में, क्योंकि कंसाइनमेंट ये स्पेशल ट्रांजेक्शन है, लॉजिक बताया था। अगर मैं सेल अकाउंट यहाँ बना लूंगा तो मेरे नॉर्मल बिजनेस का सेल और कंसाइनमेंट का सेल दोनों खिचड़ी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा फिर कौन सा कंसाइनमेंट का सेल है और कौन सा नॉर्मल बिजनेस का है। इसलिए कंसाइनमेंट की सारी इनकम कंसाइनमेंट क्रेडिट, कंसाइनमेंट का खर्चा कंसाइनमेंट डेबिट, इनकम है कंसाइनमेंट के क्रेडिट में, पैसा आया नहीं, लेना बाकी है ना, किससे लेना है, कंसाइनी से। सो कंसाइनी को मैंने मेरा डेटर बना दिया। बोलो कितना माल सेल किया उसने, 4000, क्या रेट से सेल किया है, वेरी गुड, होशियार है कंसाइनी। देखो 20 लाख रुपए का माल उसने बेच दिया, सिंपल है, पक्का माल बेच दिया है, कम कर दूं, कितना माल बेचा है, 4000 सोल्ड। ये कॉस्ट के कॉलम में सेल प्राइस लिखूं क्या, वेरी गुड,
बचा कितना? ये क्या है? कंसाइनमेंट स्टॉक ले बता रहे बेटा. सो 18,11,250 इज फॉर 4,500, देन हाउ मच फॉर 500? कितना है बेटा? 2,01,250, राइट. चलो आगे. चलो सेल की एंट्री कर दी, स्टॉक की एंट्री यहां लिख देता हूं. बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 2,01,250, बरोबर है क्या? लिख दिया. आगे और पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया है बेटा. आगे इन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, गोडाउन रेंट और एडवर्टीजमेंट पे किया बेटा 10,000 रुपए, बरोबर है ना. आ जाओ, ये माल मिलने के बाद का खर्चा है क्या? क्या ये खर्चा स्टॉक के वर्किंग में आएगा क्या? नो. इसलिए हमने डायरेक्ट स्टॉक निकाल लिया, क्लोज कर दिया उस वर्किंग को. बताओ खर्चा किया है ना कंसाइनमेंट के लिए, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. किसने खर्चा किया? कंसाइनी ने. हे कंसाइनी, तू मेरा क्रेडिटर है, मैं तुझे दे दूंगा एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट और रेंट. कितना पे किया? 10,000. दूसरा इफेक्ट कंसाइनी. कंसाइनी में इफेक्ट नहीं दिया क्या हमने? ये लो, कंसाइनी के अंदर में भी इफेक्ट दे दो. तो इसका बाय कंसाइनमेंट, ये कस्टम ड्यूटी का था ना एक 72, ये देख बेटा, ये 10,000 का इफेक्ट दे दो. बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस, कंसाइनी ने माल बेचा, कंसाइनी के डेबिट में टू कंसाइनमेंट. सेकेंड इफेक्ट दे देना बेटा, भूलना नहीं कभी. ये सेल है, देखो कंसाइनी के इसमें तीन ही ट्रांजेक्शन जा रहे थे ना, ये इफेक्ट दे दिया 72,000, 10,000 एंड 20 लाख, राइट. आगे का सेंटेंस पढ़ो. आगे लिखा है बेटा, ही इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5%. 5% का कमीशन मिल रहा है कंसाइनी को, चलो दे देते हैं कमीशन उसको. बोलो बेटा 5% कमीशन कितना हो जाएगा? 20 लाख के ऊपर सेल पे ना. सो टू कंसाइनी कमीशन 20 लाख का 5%. दूसरा इफेक्ट कंसाइन में, कंसाइनी के क्रेडिट में कमीशन 1 लाख क्या? और कुछ दिया है क्वेश्चन में? वन ऑफ द कस्टमर टू हुम गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट कुड नॉट पे द कॉस्ट ऑफ 25 शर्ट. एक कस्टमर था जिसने 25 शर्ट का जो भी पैसा था, कितना था रे बेटा 25 शर्ट कितने में बेचा होगा? एक शर्ट 500 रुपए का, तो 25 शर्ट बेचे होंगे 12,500, वो नहीं दे पाया. जैसे बैड डेट हुआ उसे वहां ब्रेक लगाओ, बोलो यहीं रुक और क्वेश्चन के पास जाओ. हे क्वेश्चन बता, क्या डेल क्रेडिट कमीशन है? क्वेश्चन ने बोला नहीं है, तो ठीक है. ये बैड डेट का लॉस कंसाइनर का, डेल क्रेडिट कमीशन दिया रहता है तो बैड डेट का लॉस किसका रहता? कंसाइनी का, बरोबर है. फिर हमें चिंता की जरूरत नहीं थी और ना ही हमें बैड डेट के लिए एंट्री करने की जरूरत थी. बट यहां पे अब डूब गया तो ये लॉस कंसाइनमेंट का लॉस है. कंसाइनमेंट का लॉस है तो कंसाइनमेंट के डेबिट में आएगा क्या? यस और नो? कंसाइनमेंट के डेबिट में आएगा ना. अब ध्यान देना, मैंने कंसाइनी के नाम से कितना लिखा हुआ है? 20 लाख लिखा हुआ है क्या? मैं खुश हो गया, कंसाइनी तुझसे 20 लाख लेना है, बरोबर ना. फिर बाद में पता चला इस 20 लाख में 12,500 डूब गए. 20 लाख रुपए में 12,500 डूब गए. अरे बोला ना अभी कितने 45 शर्ट्स का, कितने शर्ट्स थे वो 25 शर्ट्स का पैसा डूब गया ना, 12,500 डूब गए. अब बोलो कंसाइनी से कितना लेंगे? वॉट एवर द अमाउंट इतना लेंगे. कहां से 1,08,000 मैडम? थैंक यू. 19,87,500. सो जो पहले मैं सपने देख रहा था कंसाइनी से 20 लाख लेने हैं, अब 20 लाख आएंगे क्या? कंसाइनी बोलेगा सर मेरे नाम से 20 लाख मत डेबिट करो, आपने ऑलरेडी मेरे नाम से 20 लाख डेबिट करके रख दिए, चलो कम करो उसको. मैंने बोला क्यों रे भाई? उसने बोला सर 12,500 डूब गए. मतलब तो बोले सर बैड डेट का लॉस आपका है मेरा नहीं है. मैंने बोला क्यों? बोले सर आप मुझे डेल के डे कमीशन नहीं दे रहे.
सो बैड डेट का लॉस आप बेयर करेंगे? मतलब ओके भाई, तो जो मैंने तेरे नाम से 20 लाख रुपए लिख के रखे थे, अब तू मुझे 20 लाख मत देना, कम देना। कितना कम? जितना डूब गया, कॉमन सेंस ना। मैं सपने देख के खुशी मना रहा था, वाह कंसाइनी से 20 लाख आने हैं, बाद में पता चल गया कि 12,500 डूब गए। अब बोलो कंसाइनी से कितना आएगा, यस और नो? सो मैंने जो कंसाइनी को डेबिट करके रखा था 20 लाख और कंसाइनमेंट को क्रेडिट करके रखा था 20 लाख, क्यों? सेल है नहीं है, मेरा सपना टूट गया। कंसाइनी के नाम से डेबिट करके रखे 20 लाख, कम करना पड़ेगा क्या? सो कंसाइनी अकाउंट क्या करूंगा, क्रेडिट 12,500 से। चल ले भैया, पहले तुझे डेबिट किया, अब ये देख कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तुझसे नेट कितना लेना है अभी? नेट 1987,500 की एंट्री मत करना। डेबिट 20 लाख लिख दिया और क्रेडिट 12,500 लिख दिया, यानी ऑटोमेटिकली 1987,500 आ गया, ठीक है? और ये जो लॉस हुआ, ये कंसाइनमेंट का लॉस है। कंसाइनमेंट का कोई भी एक्सपेंस लॉस रहो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, बरोबर ना? कंसाइनमेंट के सारे खर्चे क्या नाम से डेबिट करते हैं? कंसाइनमेंट के नाम से। स्पेसिफिक बैड डेट लॉस अकाउंट मत बनाना, नहीं तो आपके नॉर्मल धंधे का बैड डेट और कंसाइनमेंट का बैड डेट मिक्स हो जाएगा। सो यहां पे लिख दूं क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंसाइनमेंट डेबिट क्यों किया? सिंस बैड डेट, कंसाइनमेंट का कोई भी खर्चा, कंसाइनमेंट का कोई भी लॉस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट की इनकम है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। देखो इनकम थी तब मैंने कंसाइनमेंट को क्रेडिट किया था ना, अब एक्सपेंस लॉस हो गया तो कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे ना, तो ये रहेगी आपकी बैड डेट की एंट्री। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, ये समझ में आया सभी को? पक्का? चलो आगे, लॉजिकल है? किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? लिख लो ना फिर, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, लिखो टू कंसाइनी अकाउंट, ब्रैकेट में धीरे से लिखना बैड डेट। बैड डेट अकाउंट मत बनाना, रेफरेंस लिख रहा हो सिर्फ। और कंसाइनी के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में लिखना बैड डेट। कुछ था रे इसमें? और कुछ दिया है क्या इसमें? चेक करो क्वेश्चन में। वन ऑफ द कस्टमर, ठीक है, कमीशन का हो गया, प्रिपेयर, दैट्स इट, गेम ओवर। बैंक कहाँ पे? अच्छा वो तो खेल खत्म हो गया, वो अमाउंट कहाँ दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि सेटल हो गया, तो अब करेंगे ना हम सेटल। लो करो, बैलेंसिंग फिगर निकालो। निकाल रहे मुन्ना? बोल फटाफट से। चलो तू एक काम कर, ए बेटा तू कंसाइनी का बनाओ और तुम कंसाइनमेंट का बनाओ, जल्दी जल्दी बताओ बेटा बैलेंस कितना आ रहा है। कंसाइनी का 2 लाख, ये आया प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट? क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी, हमारे जनरल P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर डैश ट्रांसफर, और इधर कंसाइनी का बैलेंस बता बेटा, बोलो बोलो फटाफट से। 15 लाख। अच्छा उससे हमने डिपॉजिट लिया था, उसका एंट्री किया था ना? नहीं लिया है डिपॉजिट उससे, चेक करो, लिया है क्या डिपॉजिट? तो फिर वो बोलोगे कब यार आप लोग? बाय बैंक ये लिख दो, एक एंट्री ऐड कर दो, डिपॉजिट लिया ना 2,50,000 का बाय बैंक टू कंसाइनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है ना, क्वेश्चन में दिया एक, वो ऐड करो। अब बताओ बैलेंसिंग फिगर आपका 15 नहीं आएगा, 12.5 समथिंग आएगा ना? हाँ 15 लाख, 15,55,500। ए मुन्ना ये डिपॉजिट लिया ना उससे? पैसा लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बराबर है? सर कैश में लिया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से लिया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ड्राफ्ट लिया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किसने दिया? कंसाइनी ने, सो कंसाइनी को क्रेडिट करो। डन, ये आ गया आप लोगों का बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो। कंसाइनमेंट का ठीक है, सही है, आव्या। और इधर में ये एंट्री किया ना सभी ने,
बैंक टू कंसाइनी, कंसाइनी से पैसा लिया ना, इस कारण से। चलो आगे। हेलो गाइस, नेक्स्ट। ये लोग देखो, हर बार कंसाइनमेंट स्टॉक का वर्किंग अलग अलग तरीके से करते हैं। आप क्वेश्चन देखना इनके मॉड्यूल के, कहीं ना कहीं इन्होंने हर क्वेश्चन में कभी क्या करते कभी क्या करते। हमारा हर क्वेश्चन का वर्किंग बिल्कुल सटीक और सेम रहेगा, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, नहीं तो मॉड्यूल के थ्योरी सेंटेंसेस पढ़ोगे तो चक्कर में आ जाओगे। सो वर्किंग अपना एच शेप फॉर्मेट है, स्टोरी लिख देना, अपने आप एंसर उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, मुन्ना ध्यान देना, लुब्रिजोल्स लिमिटेड ऑफ मुंबई कंसाइन 1000 बैरल्स ऑफ लुब्रिकेंट। ठीक है, एल ने कंसाइन किया, एल कौन है, कंसाइनर। कॉस्टिंग 800 पर बैरल टू द सेंट्रल ऑयल कंपनी, ये कौन है, कंसाइनिंग। ऑन 1113 लुब्रिजोल्स लिमिटेड पेड 5000 एज अ फ्रेट एंड इंश्योरेंस, 25 बैरल वर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, थैंक यू, इंश्योरेंस क्लेम वॉज सेटल्ड। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन में इंश्योरेंस क्लेम नहीं था, इस वाले क्वेश्चन में इंश्योरेंस क्लेम है, तो अब आपको इंश्योरेंस का भी एडजस्टमेंट अभी बता दूंगा, है ना। नहीं है तो कैसा है, पिछले क्वेश्चन में है तो कैसा है, करंट क्वेश्चन। इंश्योरेंस से भी मिला है कुछ तो पैसा, एंड वॉज पेड डायरेक्टली टू द कंसाइनर। सेंट्रल ऑयल टूक अ डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट ऑन 19/1 एंड एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन देम बाय लुब्रिजोल ऑफ 5 लाख फॉर 3 मंथ। यानी कंसाइनर के पास बिल रिसीवेबल आ गया क्या, आ गया। ऑन 31 मार्च 2013 सेंट्रल ऑयल रिपोर्टेड 750 बैरल सेल किया, अदर एक्सपेंसेस क्लियरिंग चार्जेस नॉन रिकरिंग है, गोडाउन रेंट रिकरिंग है, वेजेस रिकरिंग है, ये रिकरिंग है, बरोबर। या गावरान भाषा में, माल मिलने तक का खर्चा नॉन रिकरिंग, उसके बाद का सब प्रिंटिंग स्टेशनरी एडवर्टीजमेंट गोडाउन रेंट कमीशन सब रिकरिंग, बरोबर। 25 बैरल्स ऑफ ऑयल वर लॉस ड्यू टू लीकेज विच इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस। ये कहाँ पे हुआ रहेगा लॉस, कंसाइनी के गोडाउन में, कंसाइनी के पास माल पहुंच गया ना। सर आपको क्या समझा, अरे रास्ते वाला लॉस हो गया, दिया है ना क्वेश्चन में, ये 25 बैरल की इंफॉर्मेशन है, अरे भगवान, ये 25 बैरल का लॉस हुआ है। अब ये कौन सा लॉस है कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे भी 25 बैरल है, यहाँ पे भी है, तो फिर ये ही लॉस के बारे में बात चल रही है। लिखो, यहाँ पे बोलना चाहिए कि कौन से लॉस के बारे में है ना, बट ध्यान रखना, अब आपको बिटवीन द लाइन समझना होगा। ऊपर भी 25 बैरल दिया है, नीचे भी बोला है 25 बैरल का लॉस हो गया, और जो लॉस हुआ है वो नॉर्मल है। देखो ना, 25 बैरल्स ऑफ द ऑयल वर लॉस्ट, ओके, जो ऑलरेडी लॉस्ट हो गया है ड्यू टू लीकेज विच इज कंसिडर्ड नॉर्मल। अगर ये सेंटेंस नहीं होता तो इस लॉस को मैं क्या अज्यूम करता, एबनॉर्मल। बोला है नॉर्मल तो नॉर्मल, नहीं तो एबनॉर्मल। आगे, सेंट्रल ऑयल कंपनी इज एंटाइटल टू कमीशन 5% ऑन ऑल सेल। सेंट्रल ऑयल कंपनी पेड द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसाइनमेंट ऑन 31 मार्च इटसेल्फ। यानी कंसाइनी का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ले लो या दे दो, लेना होगा तो ले लो, ये मतलब है इसका। फाइनल सेटलमेंट हो गया 31 मार्च को। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट ऑफ सेंट्रल ऑयल कॉरपोरेशन, लिखते जाओ। ले रे बेटा बताओ तो जरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 13, फटाफट से ये लो कंसाइनमेंट अकाउंट, फुल स्पीड रफ्तार से, 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म करना है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है 10 सेकेंड पहले ही, जल्दी जल्दी से। और एक ये वर्किंग बना लेता हूँ कंसाइनमेंट स्टॉक का, ये स्टॉक का वर्किंग है, ये यूनिट है, ये पर्टिकुलर्स है, और ये कॉस्ट है। बातें नहीं, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन आपकी बात खत्म होने के पहले। लो प्लीज ध्यान देना, लुब्रिजोल के लिमिटेड, लुब्रिजोल के बुक में चल रहा है, कंसाइनर के बुक में चल रहा है। पहले इन्होंने गुड्स सेंड किया, कितना गुड्स सेंड किया बेटा, देखो तो 1000 बैरल, एक की कॉस्ट कितनी है 800 × 1000, सही बोल रहा हूँ ना। ये बेटा किसी के पास बुक है क्या, बुक दो तो यार, फोन के अंदर में दिखता ही नहीं है, है बुक है, मॉड्यूल लाए किसी ने, ओह मस्त, मॉड्यूल आए नहीं किसी के पास अभी तक, आए है घर पे,
दिख रहा है मुझे फोन में, अच्छा दिख रहा है, मस्त दिखता है फोन में। चलो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 800 × 1000 8 लाख, सही है क्या? स्टॉक के वर्किंग में लिख दू 1000 गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 8 लाख, लिखो फटाफट से। हाँ बोल मुन्ना, किस पे? देख बेटा अब यहां पे कि नहीं, नॉर्मल लॉस पे वैसे इंश्योरेंस मिलता नहीं है, क्योंकि हम लोग भी आज नहीं तो कल मरने वाले, ये अनअवॉइडेबल है। फिर तो हम पे भी इंश्योरेंस नहीं मिलना चाहिए। फिर तूने आज तक जीवन में सवाल क्यों नहीं पूछा इंश्योरेंस कंपनी को कि हे इंश्योरेंस कंपनी बता, इंसान मरता है ये नॉर्मल है ना, तो फिर उसके मरने पे भी इंश्योरेंस नहीं मिलना चाहिए? तेरे सवाल का जवाब मेरे सवाल से प्लीज बताओ, समझे क्या? एक बच्चे ने अभी एक कोशिश की है नाकाम, वो पूछता है कि नॉर्मल लॉस पे तो इंश्योरेंस नहीं मिलता। मैंने उसको पूछा कि LIC वाले नॉर्मल लॉस पे कैसे देते हैं, क्योंकि मरना ये अवॉइडेबल है कि अनअवॉइडेबल है, बरोबर है ना? ये नॉर्मली मरते ही है ना सब इंसान, नॉर्मली मरते हैं ना सब लोग, तो नॉर्मल लॉस हो गया ना, उसके ऊपर देती है ना कंपनी। तो तेरा जवाब मिला तुझे, कैसा लगा? सो क्वेश्चन के आगे मत जाओ, कहने का मतलब ये है अगर क्वेश्चन में बोला है इंश्योरेंस मिला तो मिला, फिर अगर कोई बच्चा ये सोचेगा कि सर नॉर्मल लॉस पे तो मिलना नहीं चाहिए, तो मेरा उस बच्चे को सवाल है कि इंसान का मरना भी नॉर्मल है, तय है, इसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता, नॉट अवॉइडेबल इज नॉर्मल। बोलो बेटा, आप बोल नहीं रहे हो कुछ, समझा? माँ कसम समझा, ठीक है आ जाओ। सो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 8 लाख रुपीज, आ जाओ। बट ऑल क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम, जो भी दिल में आ रहा है प्लीज पूछो, जितना पूछोगे उतना मेरे और आपके दोनों के लिए अच्छा रहेगा। देखो क्वेश्चन भाग जाता है इधर उधर। हाँ और क्या बोला है बेटा, देखो जरा, ये मैंने लिख दिया। आगे बोला है 50,000 फ्रेट का और इंश्योरेंस का पे कर दिया है। ओके सो लिखो फटाफट से, देख मुन्ना तूने हमको डिले करवा दिया। फ्रेट एंड इंश्योरेंस ब्रैकेट में लिखो, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर 50,000 फ्रेट का 1,000 बैलेंस 8,50,000, बरोबर है क्या? ये बच्ची जो उठ के गई, इसका नंबर है किसी के पास? उसको फोन लगाओ, उसको पूछो कहाँ हो मैडम, जीवन हाथ से निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का है, किसी के पास पहचान की है कोई, नंबर वगैरह नहीं है क्या? लगा उसको फोन, बोलना क्या हुआ मैडम, आप आते हो कि हम डॉक्टर को भेजे, तबीयत खराब होगी तो डॉक्टर भेजेंगे, तबीयत खराब नहीं तो आप आ जाओ। धनश्री धनाजी मिसाल, ये एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में क्यों लिखा है? आई थिंक इसका जवाब मैंने लास्ट लेक्चर और उसके लास्ट लेक्चर में भी दिया है, बरोबर है? ध्यान रखना ये एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट का नहीं है। जो यूनिट एबनॉर्मल तरीके से लॉस्ट हो गए, कंसाइनमेंट नाम का बिजनेस जो कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट 11वीं कक्षा में पढ़ा था, वो कंसाइनमेंट नाम का बिजनेस कंसाइनर को बोलेगा, हे कंसाइनर सुन, जो यूनिट एबनॉर्मल तरीके से लॉस हो गए उसकी कॉस्ट मैं अपने छाती पे बेयर नहीं करूँगा, तो उसकी कॉस्ट तू मेरे अंदर से कम कर। और ये एबनॉर्मल लॉस कंसाइनर के नॉर्मल लॉस के साथ, उसके बिजनेस के लॉस के साथ जाके चिपक जाएगा। कंसाइनमेंट से कम किया, नॉर्मल बिजनेस में बढ़ा दिया। धनाजी पुराना वाला लेक्चर आपने देखा नहीं है, प्लीज एक बार देखो, आ जाओ। ये हमने लिख दिया बेटा, आगे बढ़ू क्या? मुन्ना प्लीज ध्यान दे देना, ए मुन्ना ध्यान दे। सो यहां पे कितना 50,000 पे किया, आगे और बढ़ते हैं जवान, आगे बढ़ो। आगे बोला है बेटा 25 बैरल्स लॉस हो गए क्या? और क्वेश्चन में आखिर में लिखा है वो जो 25 बैरल्स ऑफ द ऑयल वर लॉस्ट, जो लॉस्ट हो गए थे, WRE वर लॉस्ट, वो कौन सा लॉस है? नॉर्मल, पक्का लिखो क्या? बोल बेटा। हाँ ये कहाँ बोला है सेपरेट है?
तो डिस्ट्रॉय लीकेज भी होता है तो डिस्ट्रॉय गिना जाता है ना। ऊपर अगर ऐसा लिखा रहता डिस्ट्रॉयड बाय फायर और नीचे लिखा रहता लीकेज, तो मैं बोल देता कि ऊपर वाला अलग लॉस है नीचे का अलग। ऊपर में डिस्ट्रॉयड बाय फायर या पिलफरेज या थेफ्ट ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बस इतना ही बोला है डिस्ट्रॉयड। लीकेज भी जो हो रहा है वो भी हम लोग यही बोलेंगे ना, समझ में आ रहा है क्या? देखो यार बात सही है, बट इसमें करे क्या, यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन में देना चाहिए कि कौन सा लॉस किस पर मतलब कौन सा किस चीज से हुआ है। बट ऊपर में सिर्फ इतना बोला है कि डिस्ट्रॉय हो गया है, नीचे बोला है 25 बैरल्स वर लॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है भूतकाल, ऊपर की बैरल की बात चल रही होगी, यस और नो? तो उसको हम लोग क्या समझेंगे कि ऊपर जो लॉस हुआ है वो इन्होंने बोला नॉर्मल है। तो एक काम करो, ऊपर वाले क्वेश्चन में अगेन अमेंडमेंट। अब आप लोग सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं आंसर ही नहीं क्वेश्चन भी बनाना सीख लो। लिखो यहाँ पे 25 बैरल्स वर लॉस्ट। मुन्ना एक काम करना, क्वेश्चन के अंदर में लिखो 25 बैरल्स वर लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे एक वर्ड लिख दो बाय फायर और नीचे क्या है बेटा लीकेज। अब ये दोनों लॉस अलग अलग हो गए, हैप्पी? लिखो क्वेश्चन में प्लीज ऐड कर देना, जो कोई भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन जीडीपीडी कैसे भी देख रहा है ना, ये वर्डिंग ऐड कर देना। ऊपर वाला जो लॉस है वो कैसा है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब बोलो नीचे का क्या हुआ है, लीकेज की वजह से। अब हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है? अब डिस्ट्रॉयड बाय फायर बोला है और उसके बारे में कुछ बोला नहीं, तो ये कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। और ये नीचे वाला कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस। चलो करो लॉस, एबनॉर्मल लॉस डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो एबनॉर्मल लॉस में तू बता मुन्ना, यूनिट और कॉस्ट दोनों भी कम हो जाएगी, बरोबर है क्या? करो यूनिट कम करो, कितना आ गया 975। कॉस्ट कम करो 850 फॉर 1000, देन हाउ मच फॉर 25, 850,000 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 25। बरोबर है क्या? माइनस ये 850,000 से माइनस करो 828,750। आगे पढ़ो, इंश्योरेंस क्लेम वॉज सेटल्ड एट 15,000। बोलो बेटा इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, बोलो तो। इंश्योरेंस क्लेम सामने वाले कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, मिलना बाकी है या मिल गया होगा तो कैश बैंक, मिलना बाकी है तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। टू कितने का मिला है बेटा, 15,000। चलो हम लोग जो चूड़ियां तोड़ रहे थे कि हमारा लॉस हो गया 21,250 का, इंश्योरेंस कंपनी आई बोली बच्चा डर मत, ये ले 15,000 मैं दे रही हूं। तो बताओ हमने एबनॉर्मल लॉस डेबिट किया 21,250 से, उसमें से ध्यान देना बेटा, ए राजेश खन्ना इधर ध्यान दे, उसमें से 15,000 इंश्योरेंस कंपनी ने वापस दे दिए, तो एबनॉर्मल लॉस बढ़ा या कम हुआ? वेरी गुड, लॉस का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट। सो यहां पे एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर दूं क्या, पक्का? सो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल टू एबनॉर्मल लॉस 15,000, ये इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री रहेगी। ये समझ में आई सभी को? सर क्यों लिखी एंट्री, नहीं तो और क्या करूं? बोलो इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट बना है एंट्री में, कंसाइनी अकाउंट बना है, तो इसका कंसाइनमेंट कंसाइनी में इफेक्ट आएगा, तो बस वर्किंग नोट में धीरे से एंट्री लिख के छोड़ देना, राइट? चलो लिख लिया सभी ने एंट्री, ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल टू एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का ऊपर इफेक्ट दिया नहीं क्या हमने, बाय एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट, कितना था बेटा एबनॉर्मल लॉस 21,250, रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। डन, क्वेश्चन आगे पढ़ो बेटा और क्या क्या दिया है देखना जरा, आ जाओ आव्या ले रहा हूं बेटा, ध्यान देना एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रहे हैं, है ना? पहले रास्ते में लॉस हो गया है ना, माल भेजा, माल भेजने के लिए खर्चा किया वो ले लिया,
उसके बाद रास्ते में एबनॉर्मल लॉस हो गया, वो ले लिया। अब उसके बाद माल कंसाइनी के पास जा रहा है, देखो दिख रहा है कि सभी को आगे और क्या दिया है, मुन्ना ध्यान देना। एक तो यार ये फोन बिना, हाँ ले मुन्ना ध्यान दे। इंश्योरेंस क्लेम का भी एंट्री मैंने कर दिया, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल टू एबनॉर्मल लॉस। सेंट्रल ऑयल टुक अ डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट ऑन 19 जनवरी 2013 एंड एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय देम बाय द लुब्रिजॉल्स लिमिटेड फॉर 5 लाख। कंसाइनर इतना माल दे रहा है कंसाइनी को, बदले में उससे सिक्योरिटी के तौर पे क्या लिया, बिल। कितने का बिल लिया रे? सो कंसाइनी के क्रेडिट में बाय बिल रिसीवेबल, बरोबर है क्या? पूरा ही फिगर लिखता हूँ, बच्चा और बोलेगा सर ये क्या लिख रहे हो। चलो आगे, बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी, आगे 3 महीने का 3 मंथ्स का बिल है। ऑन 31 मार्च 2013 सेंट्रल ऑयल रिपोर्टेड एज फॉलोज, 750 बैरल वर सोल्ड, द अदर एक्सपेंसेस वर क्लियरिंग चार्जेस, गोडाउन रेंट, वेजेस, और 25 बैरल ये नॉर्मली लॉस हो गया, विच इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस लीकेज की वजह से। कमीशन के बारे में दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें इन्होंने दे दी। लो चलो, अब ये माल बेचने के पहले लॉस हुआ रहेगा क्या? 25 बैरल नॉर्मल लॉस है ना, बेचने के लिए जो माल अवेलेबल है विद द कंसाइनी उसी में से लॉस हुआ होगा। अच्छा, उसके पहले ये कंसाइनी ने कुछ तो खर्चे दिए, हमने लिखा था क्या स्टार्टिंग में? क्लियरिंग चार्जेस ये नॉन रिकरिंग है, मुन्ना ध्यान देना। ये कंसाइनर से माल जा रहा है कंसाइनी के पास, कंसाइनर ने गुड सेंड किया, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ले लिया, कंसाइनर ने एक्सपेंसेस इनकर किए ले लिया, रास्ते में एबनॉर्मल लॉस हुआ ले लिया। अब यहाँ पे कंसाइनी ने क्लियरिंग चार्जेस दिए, पहले ये आएगा कि पहले कंसाइनी के गोडाउन का लॉस आएगा? पहले क्लियरिंग चार्जेस आएंगे। लो क्लियरिंग चार्जेस और एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी आव्या, ध्यान देना। एक बच्ची ने खर्चे पहले ऐड कर दिए और एबनॉर्मल लॉस बाद में लिया, पहले एबनॉर्मल लॉस हुआ बाद में क्लियरिंग चार्जेस है मुन्ना। सीक्वेंस नहीं छोड़ना है, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना और सीक्वेंस भी नहीं छोड़ना, गलत हो जाएगा आपका आंसर। क्लियरिंग चार्जेस कितना है बेटा बताओ तो? 11,250। इससे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेंगे क्या? नो। क्लियरिंग चार्जेस के बाद अब क्या है, माल आ गया कंसाइनी के पास, माल आने के बाद यहाँ पे नॉर्मल लॉस हुआ है क्या? माल आ गया वहाँ पे नॉर्मल लॉस हो गया और उसके बाद आखिरी में क्या किया होगा, बेचा होगा, यही सीक्वेंस है। चलो आगे, किसी को सीक्वेंस में कोई डाउट? सर ऐसा नहीं हो सकता है क्या वैसा, प्लीज एनीबडी? सिंपल है, मैं मिटा दूँ ये डायग्राम। सो ये देखो, हम लोग क्लियरिंग चार्जेस तक तो पहुँच गए, क्लियरिंग चार्जेस मैंने स्टॉक के वर्किंग में लिख दिया, इसकी अकाउंटिंग भी कर लो यार। बोलो अकाउंटिंग क्या रहेगी, किसने पे किया ये, बाकी हमने खर्चे ऐड कर दिए ना, एबनॉर्मल उसका एंट्री हो गया 50,000 का हो गया। लिखो टू कंसाइनी कितना दिया, 11,250। ये थे आपके क्लियरिंग चार्जेस कंसाइनी के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट। कंसाइनी मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर फॉर दिस अमाउंट 11,250। उसके बाद क्या हुआ बेटा, क्लियरिंग चार्जेस पे कर दिए और बाकी खर्चे भी पे किए क्या उसने? बाकी सारे खर्चे क्लब कर दो, वो सारे रिकरिंग है ना, गोडाउन रेंट, वेजेस और प्रिंटिंग स्टेशनरी क्लब करके बताओ 30, 40 और 20, 60,000। सो टू कंसाइनी अदर एक्सपेंसेस कितना है बेटा, 60, और इधर में बाय कंसाइनमेंट अदर एक्सपेंसेस कितने बेटा, 60। लिखा सभी ने? जो बच्चों को आदत नहीं है 60,000 ऐसे देखने की, सिर्फ उनके लिए, डन। चलो आगे, ये जो 60,000 का खर्चा है ये कंसाइनमेंट स्टॉक के वर्किंग में आएगा क्या? नो, ये माल मिलने के बाद का खर्चा है। चलो आगे पक्का। उसके बाद 25 बैरल्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, बरोबर है, बेचा है यहाँ 750 का, वो टिक मार्क लगा के रखना है। 25 बैरल्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट नहीं, लॉस ड्यू टू लीकेज,
लो 975 बैलेंस, बता 828 750 प्लस करो ना, बग्या सारखे बघत असतात फक्त लोक, 8,40,000। आप लोग फटाफट से कैलकुलेशन करके अगली फिगर मुझे बता दिया करो। हाँ बोलो, नॉर्मल लॉस कितना हुआ? 25। अमाउंट में कुछ इम्पैक्ट होगा क्या? पक्का। 975 में से 25 गए 950, 8,40,000। कितना बेचा इन्होंने? 750 बैरल, यस और नो? सो 750 बेच दिया, सोल्ड। सेल प्राइस लिखूंगा क्या? नो। बचे कितने? 200। ये है कंसाइनमेंट स्टॉक। नॉर्मल लॉस की एंट्री होगी मुन्ना? नो। सेल की एंट्री होगी? यस। 840 है, 950 के लिए है, तो 200 के लिए कितना? वन लैख। स्टॉक का और सेल का दोनों का एंट्री कर दो। बाय कंसाइनी 8,40,000, कंसाइनी के डेबिट में 2 कंसाइनमेंट, और बाय कंसाइनमेंट स्टॉक कितना है बेटा? 1,76,842। सीक्वेंस ये रखना, सीक्वेंस अगर चेंज हो गया तो आप लोगों का आंसर भी चेंज हो जाएगा। और क्या दिया इसको? कमीशन। कमीशन कितना है बेटा? हाँ बोल मुन्ना। 840 है ना, 750 × 1200, आपने तो बताया आंसर। ना लायको, कौन है 840 वाला? किसने बोला था? लिखो ये सेल 9,00,000 है। अरे बाबा, 750, एक सेकेंड, 750 यहाँ पे, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 750 मल्टीप्लाइड बाय 1200, और यहाँ पे लिखो 9,00,000। फेस टू फेस वाले बच्चे सुबह सुबह नशा करके आए आज। 9,00,000 बच्चों, यार ये कहां से निकाला 850 आपने? बरोबर है। और ये सेल का फिगर, ये तो बरोबर है ना अपना? हाँ नहीं, सेल का फिगर ही चेंज करना है ना, स्टॉक तो वैसे भी एट कॉस्ट आएगा, सेल का फिगर चेंज करो, 9,00,000 लिखो। डन। सर सेल कैसे आए 9,00,000? कुछ नहीं रे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 750 बैरल सेल किया एट द रेट 1200 पर बैरल, और यहाँ पे भी लिखो 9,00,000 कंसाइनी के अकाउंट में। मैं ही कैलकुलेशन करूंगा नेक्स्ट टाइम से। चलो कमीशन निकालो, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। फोर्टी फाइव थाउजेंड। और कोई आइटम बचा है क्या? क्वेश्चन में चेक कर लो, कमीशन हो गया, कंसाइनमेंट स्टॉक हो गया, लॉस एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस हो गया, सारे खर्चे हो गए। वो कुछ बोला बैड डेट वगैरह कुछ है? इंश्योरेंस क्लेम का भी लिख लिया। निकालो बेटा प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है। ₹976,842 है ना? ₹1,31,000। मैं भरोसा करूं इस बार? बाद में कोई बच्चा 20 से विष्णु जी की तरह प्रकट होके तो नहीं बोलेगा ना कि सर ये इतना नहीं है? ये जो भी मैं बैलेंसिंग फिगर लिख रहा हूं, इस फिगर को गोली मारो,
आप जो भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन जीडीपीडी देख रहा है, आपने कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर पे, ठीक है। 131842 बताओ कंसाइनी के साथ नेट लेन देन कितना आ रहा है, ले लो डेबिट की टोटल ज़्यादा है ना, बोलो कितना आ रहा है, जो भी फिगर आ रही वो यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से देख लो। मिस्टर एक्स कंसाइनर कंसाइन द गुड्स टू मिस्टर वाई, 100 रेडियो सेट्स वैल्यूड एट 50,000, दिस वॉज मेड बाय एडिंग 25% ऑन द कॉस्ट, मिस्टर एक्स पेड फ्रेट फॉर द इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, 20 सेट्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट फॉर विच मिस्टर एक्स रिकॉर्डेड 5,000। मुन्ना पिछला वाला क्वेश्चन जो था ना 13 नंबर का जो हमने अभी सॉल्व किया वो इंपॉर्टेंट था, उसमें करेक्शन कर लेना सभी ने। ऊपर का जो बैरल लॉस था वो लॉस ड्यू टू फायर है, नीचे का लीकेज है, वो ही एक करेक्शन थी। बाकी पूरा क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस हम लोग वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने हमारा नोट कभी चेंज नहीं किया, तरीका वही, कैलकुलेशन वही, कॉन्सेप्ट वही, फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स भी मैंने कभी चेंज नहीं किए, अपने तरीके से किया तो बरोबर आंसर पानी की तरफ फ्लो होगा। प्लीज़ कंसाइनमेंट स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए मॉड्यूल का वर्किंग मत देखना, देखना है तो देख लेना बट जो मैंने बताया वैसे ही करना है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं मैं जो चीज़ के लिए मना करता हूँ वो जानबूझ के देखते हैं, फिर देखे तो फिर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, सर मॉड्यूल में तो ये ऐसा क्या वैसा क्या, आप फाइनल आंसर मैच करो। और अपने इसके अंदर में आपने किया तो क्या होगा मालूम है क्या, आपको स्टेप्स एकदम सटीक समझ में आ जाए, वो करते आना करते आना। और आधा कुछ बच्चे क्या करते हैं, आधा वर्किंग करते हैं और बाद में बीच में आधा चेक करते हैं और अपने को और मॉड्यूल के वर्किंग को आधे आधे में को कंपेयर कर, आधा आधा कंपेयर करोगे तो आंसर नहीं आएगा, फाइनल आंसर कंपेयर कर लेना डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर में देखो क्या दिया हुआ है, माल कैसे सेंड किया है, बाय एडिंग 25% कॉस्ट टू द, बाय एडिंग 25% मार्जिन ऑफ द कॉस्ट। मुन्ना ये क्या चीज है मालूम है क्या, गुड्स था 100 रुपए का, एक की कॉस्ट, ए मुन्ना ध्यान देना, इसमें मार्जिन ऐड किया 25% ऑन बोलो ना कॉस्ट, तो कितना हो जाएगा, देयरफोर इंस्ट्रक्टेड प्राइस इनवॉइस प्राइस, इंस्ट्रक्टेड प्राइस इनवॉइस प्राइस, मैंने उसको बोला भैया तू 125 में बेचना, मैंने मेरे कंसाइनी को बोला हे कंसाइनी सुन तू कितने में बेचेगा, 125 में। एक्चुअल में मेरी कॉस्ट कितनी थी मालूम है क्या इसकी, मेरी कॉस्ट थी 100, मेरी कॉस्ट कितनी थी 100 और मैंने कैसे सेंड किया एट 125, मैंने कैसे सेंड किया एट 125 ताकि कंसाइनी को पता ना चले कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। आज के बाद अगर आपको कभी कोई पूछे कि कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स सेंड करना है, गुड्स सेंड करता है और अगर वो मार्जिन ऐड कर रहा है किसमें, कॉस्ट में, तो वो कौन से प्राइस पे सेंड कर रहा है, एट इनवॉइस प्राइस। उसने मार्जिन ऐड किया तो कौन से प्राइस पे सेंड कर रहा है, एट इनवॉइस, मतलब यहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट भी कौन से प्राइस पे बनेगा, एट इनवॉइस प्राइस। आज तक कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाया था, एट कॉस्ट प्राइस, यहां पे कैसे बनेगा, एट इनवॉइस प्राइस। अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनाए उसमें कैसे बनाया, एट कॉस्ट प्राइस। कितने का माल सेंड किया बेटा, 100 रेडियो सेट थे, 50,000 उसकी वैल्यू थी, 25% मार्जिन ऐड करो उसमें, बताओ तो बेटा 50,000 प्लस 25% ऑन कॉस्ट है ना, सो कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 62,500, बराबर है क्या, डन, इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया है ना। अब इसमें लोडिंग कितना है बताओ तो बेटा, ये मैंने लिखा है एट इनवॉइस प्राइस। सर अगर मैं ये कंसाइनमेंट एट कॉस्ट बनाता था, मुन्ना ध्यान देना, अगर मैं कंसाइनमेंट अकाउंट एट कॉस्ट अगर बनाता था तो यहां पे मैं क्या लिखता, 50,000। अगर मैं बनाता हूं कंसाइनमेंट अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस तो यहां पे कितना लिखूंगा बेटा, मैं बता दो, यहां पे लिखूंगा 62,500। अच्छा ये 50,000 कॉस्ट थोड़ी है, कहां दिया है 50,000 कॉस्ट है, लिखा है क्या क्वेश्चन में, कहां लिखा है बताओ, कहां लिखा है,
मिस्टर एक्स कंसाइनर कंसाइन द गुड्स टू मिस्टर वाई 100 रेडियो सेट्स, किसने बोला है 50,000 कॉस्ट है? कहां लिखा है 50,000 कॉस्ट है? ध्यान देना सब लोग, लिखा है क्या कहीं 50,000 कॉस्ट है? ये 50,000 के बारे में कहीं कुछ बोला है क्या कि ये कॉस्ट है? फिर क्यों अज्यूम कर रहे हो जबरदस्ती कॉस्ट है? ये वैल्यू है, वैल्यू, वैल्यू मीन्स इनवॉइस प्राइस। मैंने कैसे सेंड किया? एट इनवॉइस प्राइस। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोला रहता कि वो 50,000 कॉस्ट है तो कॉस्ट लो ना, लिखा है क्या COST कॉस्ट? नहीं ना, तो फिर क्यों जबरदस्ती कॉस्ट अज्यूम कर रहे हो? वो क्या है? वैल्यू, मतलब वो क्या है? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितनी है? 125 की 125, मतलब ये 50,000 में लिखू 125 के सामने। सो 50,000 अगर 125 है तो बताओ फिर लोडिंग कितना होगा? यहाँ पे कितना आएगा? 10,000। वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो, क्वेश्चन पढ़ते समय एक एक वर्ड की तरफ ध्यान रखो बेटा। राइट, चलो आगे। लिखा सभी ने वर्किंग नोट 1। सो बता दो अब ये कंसाइनमेंट कैसे बना रहा हूं? एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितनी है? 50,000। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से ध्यान देना। ये वैल्यू है, कॉस्ट नहीं है। वैल्यू, 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 बराबर है? ध्यान देना, मुना प्लीज ध्यान दे दो। यहां पे आपने बनाना है कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस। यहां पे आपने कंसाइनमेंट बनाना है एट इनवॉइस प्राइस। सर आपको कैसे समझा इनवॉइस प्राइस पे बनाना है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है गुड्स सेंड एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। गुड्स कैसे सेंड किया? एट कॉस्ट प्लस मार्जिन 25% ऑन समथिंग समथिंग, जो भी कुछ दिया होगा। एट कॉस्ट प्लस मार्जिन पे सेंड किया है ना, मतलब माल हम लोग एट कॉस्ट सेंड किया रहता तो डायरेक्टली बोल दिया रहता है कि इतने कॉस्ट का माल भेजा। इस बार क्या बोला? माल भेजा एट कॉस्ट प्लस मार्जिन, मतलब माल भेजा एट इनवॉइस प्राइस। आज तक कोई भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है क्या? गुड सेंड एट कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट मार्जिन, 10% मार्जिन, कभी लिखा? आज तक सारे क्वेश्चन में बस इतना ही बोला रहता था, इतने का माल है और ये माल हमने सेंड कर दिया। मार्जिन के बारे में कभी कुछ बोला नहीं था। ये पहली दफा इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि गुड्स सेंड एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट। अब मार्जिन किसके ऊपर भी हो हमें कोई लेन देन नहीं, मार्जिन लगा के सेंड किया मंजे इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया। इसीलिए मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया एट इनवॉइस प्राइस, और कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पे बनाया इसीलिए यहां पे लिखा इनवॉइस प्राइस। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या कंसाइनमेंट के लिए सही में खर्चा हुआ क्या रे 50,000? कोई मुझे बोलेगा क्या कॉस्ट कितना लगा होगा यहां पे? हाँ 40,000। हाँ, खर्चा कितने का हुआ है? 40,000 का। और हमने लिखा कितना खर्चा देखो तू जरा, 50। कंसाइनमेंट या नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में खर्चे, क्रेडिट में इनकम, खर्चा तो 40 का ही हुआ, हमने तो यहां 50 लिखा। इसमें कितना एक्स्ट्रा खर्चा है? 10,000। वो क्या है? लोडिंग मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, किसके ऊपर? जो गुड्स सेंड किया उसके ऊपर, बरोबर है ना। अब आपने तो डेबिट में खर्चा लिख दिया 50, एक्चुअल में 50 है नहीं, इसमें तो 10 लोडिंग है, चलो उसे रिवर्स करो। एग्जैक्ट रिवर्स एंट्री बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,000। नरेशन में लिख दो यहां पे लोडिंग ऑन गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर क्या फायदा? अल्टीमेटली तो 40,000 ही दिख रहा है ना जो कॉस्ट था। हाँ, अल्टीमेटली 40,000 भी अकाउंटिंग हो रहा है। सर फिर ऐसा क्यों कर रहे? जस्ट फॉर द मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन ब्रो। किसके लिए? कंसाइनी को हमने जो माल भेजा है वो माल की असली कॉस्ट उसे पता नहीं चलेगी। सर वैसे भी ये कंसाइनमेंट अकाउंट तो कंसाइनर के बुक में, हम कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जेरोक्स कॉपी निकाल के दे रहे उसको?
अरे भैया मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जब मैं यहाँ पे 50,000 की एंट्री पास करूँगा, तब कहाँ जाके टैली सॉफ्टवेयर के अंदर में जब मैं एंट्री ओपन करूँगा और कंट्रोल पी की कमांड दूंगा, तब कहाँ जाके बिल जनरेट होगा 50,000 का, और वो बिल में किसको भेजूंगा? कंसाइनी को। उस बिल को हम लोग क्या बोलते हैं? नकली इनवॉइस, प्रोफार्मा इनवॉइस। तो प्रोफार्मा इनवॉइस कंसाइनी को कितने का भेजना है? 50। जब प्रोफार्मा इनवॉइस 50 का भेजना है तो मेरे बुक्स में एंट्री भी 50 की चाहिए कि नहीं? तो मैं कौन से एंट्री का प्रिंटआउट निकालूंगा, इसका कि इसका? इसका। समझ में आया क्या सर? नहीं नहीं, काम करो, बिल 40 का बनाओ और बिल 50 का बनाओ, एंट्री 40 की करो, फिर आपका बिल बुक और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच होंगे क्या? मैच होना चाहिए कि नहीं? ऑडिटर आपकी वाट लगा देगा ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच नहीं हुए तो ऑडिटर बोलेगा भैया बिल बुक के अंदर में आपने बिल बनाया 50 का और एंट्री दिख रही है 40 की, तो फिर हमने क्या किया? ये ले भैया, एंट्री भी 50 की और प्रोफार्मा इनवॉइस भी 50 का, और फिर मैंने धीरे से चुपके से साइड से जाके 10,000 कम कर दिए। सब खुश, कंसाइनमेंट अकाउंट भी खुश, क्योंकि कंसाइनमेंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में खर्चे आने चाहिए और यहाँ पे इतिहास गवाह है कि खर्चा 40,000 है, हमने कितना लिखा? 50, जस्ट फॉर द प्रिंटिंग पर्पज ऑफ प्रोफार्मा इनवॉइस। छोड़ो ना, गोली मारो, इनवॉइस प्राइस पे बोला है तो इनवॉइस प्राइस पे करके लोडिंग रिवर्स करना, राइट? अब लोडिंग का और बता देता हूं, यहां पे हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक रहेगा, वो भी कौन से प्राइस पे रहेगा? एट इनवॉइस। तो इसका भी लोडिंग हम लोग इधर रिवर्स कर देंगे, इसके लोडिंग को हम लोग बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। खेल खत्म, बस इतना ही फर्क है कंसाइनमेंट अकाउंट अगर मैं इनवॉइस प्राइस पे बनाता हूं तो, बाकी पूरा सेम। सिर्फ कंसाइनमेंट स्टॉक का स्टॉक रिजर्व, उसका लोडिंग कैसे समझेगा? सिर्फ समझना, जीपीएस लोकेशन आज क्लियर कर लो। कंसाइनमेंट स्टॉक का लोडिंग कैसे समझेगा? ये देख रहे मुन्ना, लोडिंग कैसे आता है बताओ तो? कैसे आता है? इनवॉइस प्राइस माइनस 125 माइनस कॉस्ट 100 इज इक्वल टू लोडिंग आता है ना। इनवॉइस माइनस कॉस्ट 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25 आता है, बरोबर है? तो ये देखो, ये स्टॉक का आप जो वर्किंग बनाओगे ना, उसमें ये कॉलम तो आप आज तक बनाते ही थे, बस ये मेरे लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लेना, कौन सा? इनवॉइस प्राइस का, बरोबर है? सिर्फ जीपीएस लोकेशन समझ लो, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे आखिरी में जो भी आंसर आएगा, दो आंसर आएंगे, एक आएगा आईपी और एक आएगा कॉस्ट, और आईपी माइनस कॉस्ट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? लोडिंग और स्टॉक रिजर्व। ये किसका लोडिंग है? किसका लोडिंग है? स्टॉक का। और ये स्टॉक रिजर्व कहाँ लिख देंगे? ये देखो, ये इधर, ये इधर, बरोबर है? पक्का सर? बाकी जो खर्चे वो तो सब एट कॉस्ट ही रहेंगे ना। हाँ, मतलब पूरे प्रश्न में ये इनवॉइस प्राइस पे रहेगा, ये इनवॉइस प्राइस की लोडिंग रिवर्स है, ये इनवॉइस प्राइस पे रहेगा और ये इसकी लोडिंग ये रिवर्स है। खेल खत्म, राइट? ये बात समझ में है सभी को? पक्की बात? ऑल सेट, डन। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि कल आप लोगों का मेरा टेस्ट रहेगा। टेस्ट कौन से टॉपिक पे रहेगा बता देता हूँ। बोलो, कौन से टॉपिक में आप थे? इसके पहले कौन सा टॉपिक किया है अपन ने? बिल्स ऑफ एक्सचेंज ना, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कल आप लोगों का टेस्ट रहेगा। सर टेस्ट में कैसे आएगा? टेस्ट में MCQ रहेंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अच्छे से बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर करके आना, है ना? पढ़ोगे ना आज, है ना? सर टेस्ट क्यों? क्योंकि कल मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, इसीलिए टेस्ट ले रहा हूँ। अदरवाइज कल टेस्ट नहीं लेता था मैं, लेक्चर लेता था। सब टेस्ट सीरीज कब होगी? शेड्यूलिंग चालू है उसका, ठीक है, बट कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए फॉर द टाइम बिंग मैं आप लोगों को, अब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टेस्ट मैं बाद में लेने वाला था, आज आप घर पे 2 घंटा उसको पढ़ोगे और कल उसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टेस्ट दोगे, राइट? जो बच्चे ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक के लेक्चर्स अभी तक देखे नहीं है, प्लीज कवर अप करना।